जी गाइस, आप पूछोगे ये सलेंसर कंधे पे क्यों उठाया है। तो यार ये बात इसके पीछे ये है कि मेरे अपने YouTube फैमिली से एक हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, उनकी फरमाइश आई थी कि पाजी अपने 5 स्पीड के ऊपर ये जो स्टैंडर्ड जैनोन इसका सलेंसर है उतार के जरा मिनी पंजाब लगा के साउंड सुना दो। तो यार उसके लिए पंगा लेना भाई, उतार दिया। अब तेरे को लगा दिया है मैंने तेरे लिए, वो रहा मिनी पंजाब, तो उसकी साउंड सुनाते हैं। जुड़े रहिएगा और अपने कमेंट देने मत भूलिएगा गाइस। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं। आज का वीडियो एक बड़ी शॉर्ट नोटिस पे मैंने बनाया है। मेरे एक बहुत ही प्यारे YouTube फैमिली से एक दोस्त हैं उत्तराखंड से, रिंकू। तो उनकी काफ़ी दिन से कॉलें आ रही थी कि पाजी मैं भी प्लान कर रहा हूँ 5 स्पीड लेने का, जैसे कि मेरा 5 स्पीड आपने देखा है मेरी लास्ट वीडियो में। तो उनकी क्वेरीज काफ़ी थी, तो क्वेरीज़ में सबसे पहले वो बोल रहे थे कि यार नहीं पाजी, जो जेन्युइन सलेंसर है यार उससे नहीं, यार मिनी पंजाब सलेंसर लगा के इसकी एक बार साउंड सुना दो। तो उनको एक्चुअली थोड़ा टाउन से हटके रहते हैं, तो कोई बाइक वहाँ पे नहीं दिखी। तो मैंने बोला यार कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक गाड़ी मैंने जब ली थी तो उस टाइम पे ही मैंने ना पंजाब सलेंसर एक बार लगाया था, मिनी पंजाब। तो ठीक है यार रिंकू, स्पेशली वीडियो आपके लिए है ये। तो उम्मीद है गाइस वीडियो पसंद करेंगे। दिखाता हूँ मैं आपको जो इसका जेन्युइन सलेंसर है और जो मिनी पंजाब है ये पड़ा है, ठीक है। दोनों का दिखाता हूँ और साउंड भी सुनाता हूँ। और गाइस हेडफोन ज़रूर लगा लेना, रीज़न इसको मैंने चला के भी थोड़ी वीडियो बनाऊंगा इसकी, तो साउंड का आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइस। देखिए, चलिए गाइस दोनों सिलेंसर आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये है जेन्युइन जो साथ में आया था गाड़ी के सिलेंसर 2006 में, ठीक है। इसके आप अगर अंदर से देखेंगे ना, देखिए ये बंद है सिलेंसर, ओके। इसका दूसरी साइड भी दिखाता हूँ मैं आपको, तो नो अल्ट्रेशन डन ऑन दिस साइलेंसर, ठीक है। टोटली अंदर से जो भी इसके फिल्टर आते हैं, और काफ़ी हैवी है ये, ठीक है। और ये है मिनी पंजाब साइलेंसर, ये भी मैंने 2007 में ले रखा था, तो रस्टेड है थोड़ा सा, बट मेरे पड़ा था अंदर गैरेज में, लकीली मिल गया। इसके अंदर से देखिए, इसके अंदर मतलब मेजॉरिटी खुला है ये, ठीक है। बस थोड़ी सी जाली एक लगी हुई है, डाइवर्जन की हुई है, ठीक है, जिससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिलेंसर काफ़ी आते हैं जो बिल्कुल प्लेन भी आते हैं, सारी खुले हुए अंदर से, बट ये जो सिलेंसर है इसमें थोड़ी सी अंदर से हल्की सी, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो साउंड फिर भी काफ़ी साउंड इम्प्रूव हो जाती है लगाने से, ठीक है। देखिएगा इसमें आपको, अब ये क्या है, अब 4-5 के बाद 2010 तक ये जो बाइक्स आए थे ना, इनमें एक विसलिंग की, एक एक्स्ट्रा विसलिंग होती थी, ठीक है। उसका रीज़न था इसके यहाँ पे एक छोटी सी जो बोल सकते हो बांसुरी टाइप में, यहाँ पे ना कुछ फिल्टर लगा हुआ था, एक जाली थी इसके अंदर, ठीक है। तो ये जब गाड़ी ली थी मैंने तो तभी ये जाली मैंने निकलवा दी थी, ठीक है। तो अभी ये फ्री फ्लो है। तो इस साथ का सेंसर है, टेम्परेरी फिट कर दिया ये। इसकी साउंड मैं आपको सुनाता हूँ एक बार पहले। गाइज अभी मैं दूसरा सिलेंसर लगाने जा रहा हूँ, तो दिखाता हूँ उसकी साउंड आपको। जी गाइज सिलेंसर लगा दिया मिनी पंजाब, अब साउंड सुनाते हैं। रिंकू सुनने ला भाई, ध्यान से जरा। तो जी गाइस सिलेंसर लगा दिया है, साउंड आपको सुना दिया है।
अब इसको एक थोड़ा सा ऑन दी गो इसकी वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाता हूँ चलते हुए कैसी साउंड रहती है। चलिए गाइस, सो गाइस उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। लव टू स्ट्रोक, कीप वॉचिंग, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। बाय बाय।